यूपी के रामपुर से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। यहां गुरलाल सिंह नाम के किसान की जमीन को उसके ही पड़ोसी ने जमीन पर लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर अपने नाम करा ली। जब पीड़ित को पता चला तो उसने रजिस्ट्री खारिज करने के लिए रोक लगवाई और केमरी पुलिस से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने की मांग की, पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं दबंग पड़ोसी ने उल्टा पीड़ित के परिवार के साथ ही मारपीट की, जिसमें पीड़ित की पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं, उसमें भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। अब पीड़ित ने अपनी जमीन बचाने के लिए एसपी और डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित गुरलाल सिंह ने मीडिया को बताया कि उसका 3 एकड़ जमीन का विवाद है। उसने बताया कि उसके पिता से धोखाधड़ी करके फर्जी बेनामा कर लिया गया था। बैंक में लोन दिलाने के बहाने से उसकी जमीन हड़प ली गई थी, जिसमें उसका भाई भी शामिल है, वो दिल्ली में रहता है। पड़ोसी गुरपाल सिंह रंधावा ने धोखे से जमीन का बैनामा करा लिया और उसकी जमीन का पैसा भी नहीं दिया। पीड़ित गुरलाल सिंह ने बताया कि जब हमने इसकी आपत्ति जताई तो उन लोगों ने मेरे परिवार वालों के साथ मारपीट की। इस मामले में सिविल कोर्ट में कार्यवाही चल रही है, इसकी रजिस्ट्री खारिज केस चल रहा है। मेरा नाम सरबजीत कौर है। सरबजीत, हमारी जमीन पे किस पड़ोसी गुरपाल सिंह हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर रहा सी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी तो मेरे को मारपीट की थी, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मेरे को मारा पीटा, मेरे को गुम चोटा भी मारियाँ, काचू मारिया मेरे बाजू पे, गुम चोटा मारियाँ मेरे को। 100 नंबर आई, 100 नंबर आके तो चली गई, कह रही थाने चलो, तो चली गई देख के। पंग हैं उसके साथ अरण्य, और भी 10-12 लोग हैं बदमाशों के साथ, मेरे को मारपीट गई। एक हेतरा में गुरपाल सिंह रंधावा सत्ता और 4-5 लोग और 3 एकड़ जमीन है। जी मेरा नाम गुरलाल है। जी सर, ये 3 एकड़ जमीन का विवाद है, ये हमारे पिताजी से धोखाधड़ी करके इन्होंने फर्जी बैनामा तरीके से कि हम आपके बैंक की लौट बदल करवा रहे हैं। इसमें एक हमारा भाई इस साजिश में शामिल है जो दिल्ली रहता है, उसने ये घटाक्रम और साथ में ये इसने पड़ोसी ने गुरपाल सिंह रंधावा इसने मिलके आधे रेटों में ज़मीन का बैनामा करवा लिया और ना पैसा को मुझे दिया ना मेरे पिताजी को दिया गया। और इसी की हमने आपत्ति लगाई, दाहल खारज रोक दिया। बाद में हमें पता चला दूसरे तीसरे दिन तो हमने उसका दाहल खारज रोका, उसकी कार्रवाई हमारी चल रही है सिविल कोर्ट में, जो है कार्रवाई चल रही है, इसकी रजिस्ट्री खारिज का केस डाल रखा है। इसके बाद भी वो ज़बरदस्ती हमारे खेत में घुसने की कोशिश करता है, बार बार हमारे साथ मारपीट करता है। मैं घर से बाहर हूँ और मेरे बच्चों के साथ लगातार पटाई कर रहा है वो। कई बार दशहरे वाले दिन उसने घर में घुस के खुद भी दारू पी और अपने नौकर को भी पिला के मेरे बच्चों को साथ में आके उसने बड़ी बेरहमी से पिटाई भी करी और छेड़छाड़ करी। और उसके बाद हमने तहरीर थाने में दी, लेकिन SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमने कई जगह अप्लाई किया है, हमने कल SP साहब को इस बात की शिकायत की है। सर आज वो फिर से पुणे लगभग 8 बजे 7:30-8 बजे के टाइम जैसे ही हमारे बच्चे उठे हैं और वो दोबारा से ट्रैक्टर लेके खेत में गए और हमारे बच्चों ने रोका, हमारे बच्चों के साथ उन्होंने फिर से दबंग लोगों ने साथ में मिलके हमारे बच्चों के साथ पिटाई करी और हमारे बच्चों के कपड़े फाड़े हैं और एक चाकू मारा है जो बाजू पर लगा है उनके। और ये सब इन्होंने बड़ी कि हमारी सुनवाई की जाए और हमारा जो है खेत को हमारे खेत में किसी को कब्जा ना करने दिया जाए और वो हमारा उस पर काबिल रहना। हमारे पिताजी के बयान सब कुछ DM साहब के साथ हुए हैं और वो हमारा उसमें हमें हमारा हक दिया जाए। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।